रोजगार मेले के जरिए 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली है। रोजगार मेले का आयोजन 12 फरवरी को देश भर के 47 स्थानों पर किया गया। वहीं पीएम मोदी ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित किया और युवाओं को संबोधित भी किया। इससे पहले 30 नवम्बर 2023 को रोजगार मेले का आयोजन किया गया था और 51,000 युवाओं को पीएम मोदी ने अपॉइंटमेंट लेटर दिए थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि आज पीएम रोजगार मेला के तहत देश के 47 स्थानों पर लगभग 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। युवा अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ देश की भी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करे, यह नियुक्ति पत्र एक रोजगार का साधन ही है। अपने आस पास के लोगों को भी प्रेरणा देने में लोग सक्षम हो रहे हैं। रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि कतर ने भारतीय ऐसे नागरिकों के बारे में फांसी की सजा सुनाई थी। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हस्तक्षेप से वो सारे, अब उसमें से अधिकांश सारे लोग लगभग वापस आ चुके हैं। फांसी की सजा मिलने के बाद जिस तरीके से भारतीय पक्ष को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद के माध्यम से रखा, यह संभव हो सका कि ऐसे लोग जिनको कतर गवर्नमेंट ने फांसी की सजा दे दी थी उससे वो मुक्त हो गए और कई लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। तो ये जो एक डिप्लोमेसी है भारत का, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव। आज हमारे मंत्रालय से 10,000 से अधिक लोगों को टीचर्स के रूप में नियुक्ति दी जा रही है। ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है जहां लक्ष्य लेकर 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, जिसमें 10,000 की आज नियुक्ति पत्र दी जा रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि एक विद्यार्थी को इस ढंग से तैयार करना कि वो भी मिशन कर्मयोगी के लिए विभिन्न पदों पर उच्च से उच्च और नीचे से नीचे जहाँ भी उनको मौका मिले वहाँ पर वो इस भाव के साथ जुड़े कि आज जो शिक्षक मिशन कर्मयोगी के माध्यम से सेवा देने के लिए योगदान दे रहे हैं वो अपने साथ साथ मिशन कर्मयोगी राष्ट्र निर्माण के लिए और तैयारी आगे कर रहे हैं। जनजातीय समुदाय में शिक्षा का विस्तार हो इसके लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और अब नए तरीके से प्रत्येक प्रखंड स्तर तक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जहां 480 बच्चों की कैपेसिटी होगी, इसके पहले जो खोले गए थे वो 240 की कैपेसिटी थी, अब 480 विद्यार्थियों की कैपेसिटी होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शुरू से उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि कैसे वो आने वाले दिनों में एक सफल योद्धा के रूप में अपने आप को किसी भी क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता को दिखा सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपने अंदर के कॉन्फिडेंस के माध्यम से वो कहीं भी सफल